खबरें और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर विस्तार से। अंबेडकर नगर के राज इंटर कॉलेज मल्लूपुर राजे सुल्तानपुर के बच्चों ने अच्छा अंक लाकर स्कूल का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है, जिसमें हाई स्कूल में पढ़ रहे अनिल मदेशिया पुत्र सुभाष मदेशिया ने 85% अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनिल मदेशिया ने अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और इनका कहना है कि आगे चलकर ये इंजीनियर बनेंगे। अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता रमेश मौर्य की ये रिपोर्ट। भाई अपना नाम बताइए, क्या है? अनिल मदेशिया। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? राज इंटर कॉलेज मल्लूपुर। मल्लूपुर राजे सुल्तानपुर जी, अंबेडकर नगर। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास टेंथ। टेंथ में जी। कितने अंक मिले हैं आपको? 524। कितने परसेंट है? 87.35%। इतना अंक लाए हैं तो इसका श्रेय, ये खुशी आप किसको सबसे पहले देना चाहते हैं? इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे पहले हम ये खुशी अपने माता पिता और अपने भाई बहन को देना चाहते हैं और हमारे विद्यालय के टीचर और सभी लोगों को, जितने भाई बहन हमारे सहयोग। कैसा लग रहा है आपको कि आप विद्यालय में पहला स्थान लाए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी कहाँ हैं आप? बेटा विद्यालय में पहला स्थान लाया है, आपको कैसा लग रहा है? खुशी की बात। अब क्या सपना रहा आपका कि मतलब आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने को क्या बताएं, भगवान ने जो दिया होगा वो जो अच्छा उसी पाया जाए। क्या बनना चाहते हो बाबू? इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है। अम्बेडकर नगर के श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसिया राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर के विद्यालय के बच्चों ने अच्छे अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया, जिसमें हाई स्कूल में पढ़ रही आकांक्षा दुबे पुत्री अजय कुमार दुबे ने 88% अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आकांक्षा दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और इनका कहना है कि यह आगे चलकर आईएएस बनना चाहती है। अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता रमेश मौर्य की ये रिपोर्ट। नाम क्या आपका? आकांक्षा दुबे। किस क्लास में थी आपकी बार? आपकी बार क्लास टेंथ में। टेंथ में कितने अंक मिले आपको? 529 नंबर मिले 600 से। अच्छा अच्छा, किस विद्यालय से थी आप? श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी उच्च माध्यमिक सिरसिया से। कैसा लग रहा आपको कि आप पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पे आई? अच्छा लग रहा है, जैसा हर एक स्टूडेंट को लगता है। अच्छी बात है। ये इसका श्रेय आपको, इतने स्थान मिला आपको, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? गार्जियंस और टीचर्स को। टीचर्स को, गार्जियन को। अच्छी बात है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आइए आप इनके पिताजी से बात करते हैं। चाचा जी आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा। आप अपनी बेटी को अभी पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, पढ़ाएं, आगे जाकर पढ़ाएं। आप बताइए चाची जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जगा रही थी आप इनको पढ़ने के लिए? खुद उठ जाती थी। खुद उठ जाती, मतलब पढ़ाई में इनकी अपनी अभिरुचि थी। ठीक। बाबू तुम्हारा नहीं आया? छोटू अम्बेडकर नगर के राज इंटर कॉलेज मल्लूपुर राजे सुल्तानपुर के विद्यालय में इंटरमीडिएट में पढ़ रही छात्रा आकांक्षा मौर्य पुत्री सतीश चंद्र मौर्य ने 78% अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आकांक्षा मौर्य ने अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। राज इंटर कॉलेज मल्लूपुर राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर के प्रबंधक हरि प्रसाद त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक राणा प्रताप सिंह और विजय प्रकाश पटेल, अमित कुमार दुबे के साथ सभी अध्यापकों की खुशी का ठिकाना नहीं। अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता रमेश मौर्य की ये रिपोर्ट। आप बताइए बहन जी, आपका नाम क्या है? आकांक्षा मौर्य। आकांक्षा मौर्य, कहाँ पढ़ती हैं आप? राज इंटर कॉलेज मल्लूपुर। मल्लूपुर। कौन सा जो क्लास था आपका? 12th। 12th में कितने अंक पाए हैं? 390। 390 अंक। विद्यालय में फर्स्ट पोजीशन पे है। yes। ये जो आपको स्थान मिला है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता तथा गुरुजनों को देना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है आपको पूरे विद्यालय में इस प्रकार से प्रथम स्थान लाने में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप दिन रात कितने घंटे लगभग पढ़ती थी? मैं ऐसे ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, लेकिन जितना पढ़ती उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता मेरा। अच्छा, फिर आगे की क्या सोच है आपकी? मैं आगे जाकर आईएएस बनना चाहती हूँ। अच्छी बात। आइए हम इनके पिताजी से बात करते हैं, इनकी क्या राय है। एक मिनट।
चाचा जी आप बताइए, आज आपकी बेटी ये पूरे विद्यालय में फर्स्ट आई है, ये आप क्या करके इसको पढ़ाते थे, घर पे आप पढ़ाते थे इसको, किस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी आगे चल के क्या कर रही है? आगे चलकर हमारी बेटी बहुत ही अच्छा नाम हमारा भी करेगी और पूरे परिवार करेगी, और बहुत ही अच्छा पढ़ने, पढ़ती तो कम है लेकिन जितना पढ़ती उतने पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी आज इस स्थान पे आपको लाके खड़ी की, आपका नाम इतने लोगों के बीच में आ रहा है कि विद्यालय में पहला स्थान लाई? हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए हम यहाँ इस विद्यालय के, जहाँ से ये लड़की टॉप की है, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से पूछते हैं। सर आप बताइए, आप इस लड़की को पढ़ाएं तो क्या कैसा लग रहा था आपको पढ़ाने में? हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता पढ़ाई के लिए विशेष तवज्जो दिया जाता है, अनुशासन। क्या आपको पता था कि ये लड़की आज किसी दिन हमारे नाम को, हमारे विद्यालय के नाम को इस ऊंचाई पे ले जाएगी? हम लोग तो जानते थे कि और भी आगे जाएगी, मगर विद्यालय में एक पोजीशन आया है। जी जी, प्रयास है आपका कि आगे चल के जिले में भी स्थान बने? हाँ, ऐसा प्रयास है। चलिए ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या आपका? ये सभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आप सभी का स्वागत है और ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आजमगढ़ के देवगांव में एक ट्रक वाले ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की ये रिपोर्ट। आप कौन है? आप कौन पति है? शुभ नाम क्या आपका? अच्छा, ये कैसे घटना घटी? साथ लड़का लेके आ रहा था। कहाँ से आ रहे थे? जौनपुर से। अच्छा, ये देवगांव में लड़ा है? हाँ। ट्रक वाला मारा है? ट्रक वाला। वो उत्तर प्रदेश सरकार वाला जो है? अच्छा, मौके पे एक्सपायर हो गई है? कितना एज होगा? 35 साल। और भी कोई घायल है? इसके साथ और कौन भी था? वो कहाँ है? हांगकांग एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 के लिए सूरत की अंजलि प्रकाश सांगले ने 47 किलो बॉडी वेट में 275 किलो पावर लिफ्टिंग करके गोल्ड मेडल जीता। 3 साल से अंजलि बॉडी वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और उनके पिता प्रकाश मारुति सांगले ने 410 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। सूरत से हमारे संवाददाता सुरेश यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम अंजलि प्रकाश सांगले। आपको जो गोल्ड मेडल मिला है? हाँ जी, मेरे को स्क्वाट में भी गोल्ड मेडल मिला है, डेडलिफ्ट में भी गोल्ड मेडल मिला है, बेंच प्रेस में भी और गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप की ओर से मिला है मेरे को, हांगकांग में। सूरत वासी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मेरे फैमिली को भी, कितना सपोर्ट दिया मेरे फ्रेंड्स को भी, कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। पूरा से मेरे फैमिली, मेरे फादर, मेरे काका जो मेरे को प्रैक्टिस देते हैं, मेरे और फ्रेंड्स की, वो भी मेरे को और बात पे सपोर्ट करते कि नहीं चल तू खेल सकती है, कर सकती है। मेरे ट्रेनर मेरे काका है, मेरे पापा। हाँ, काका को भी बहुत धन्यवाद कहूँगी क्योंकि आज वो जो मेडल मिला है वो उनकी वजह से मिला है। आप में जवाब? मेरा नाम प्रकाश सांगले। मुझे सिल्वर, 4 इवेंट में सिल्वर मिला है, डेड, बेंच और स्क्वाट में, ऑल ओवर ऑल में भी मुझे सिल्वर मिला है। कहाँ पे मिला है? हांगकांग में। आप
कब गए थे यहाँ से? हम गए थे 18 तारीख को, यहाँ से निकले थे, यहाँ से राजधानी से दिल्ली गए, दिल्ली से बाय फ्लाइट हांगकांग गए। वहाँ हमें सारी सुविधा मिली, रहने के लिए 5-स्टार होटल दिया था, और जो कंपटीशन चल रहा था इंडोर स्टेडियम वो भी बहुत बढ़िया था, टोटल एसी ही था। इंडिया के वहाँ के टोटल, यहाँ से इंडिया के 35 गए लोग गए थे, और टोटल कॉम्पिटिटर एशिया के 400 थे। आर नायर हमारे प्रेसिडेंट तिवारी सर और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के पीजे जोसेफ सर थे। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हमारा अरेंजमेंट किया था उन्होंने, और बहुत अच्छी बच्चों की सुविधा की, सारे प्लेयर्स को उन्होंने बहुत संभाला था। इतनी बड़ी आपको सफलता मिली है, क्या कहेंगे अपने माता पिता? बस उनके आशीर्वाद से ये सफलता मिली है, वरना कुछ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर वहाँ होते हैं अपने देश से, फिर भी हमने ये मेडल जीता है उनको हरा के। किस तरीके का फील बुक कर रहे हैं? मतलब अपनी बात, अपनी बहुत, कभी सोचा नहीं था ऐसा अचीवमेंट कर रहे हैं। समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।